लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत है उपयोगी मछली शहर करके इतनी बेकार थी। आज मछली शहर का कोई भी व्यक्ति मछली शहर में आसानी से पहुंच जा रहा है, किसके कारण? अखिले सरकार कभी भी राशन 2 रुपए किलो कभी मिला नहीं है। ये लोग जो लोग फ्री में खा रहे पेट के लिए, सब कुछ होगा इस बार विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि योगी सरकार और मोदी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे सुविधाएं निकाले हैं। और कितने बेरोजगार को रोजगार मिला, और दूसरी बात कितने बेरोजगार जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिला है। कोविड टीका फ्री में लगा हुआ है, राशन फ्री में मिल रही है, और क्या दे सकती है सरकार? अब आपके घर पैर तो दबाने आएगी नहीं। और सरकार ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि हर हर मोदी हर हर योगी। आपको ज़्यादा वो करना है तो आप विश्वनाथ चले जाइए, काशी विश्वनाथ। कहाँ पे चले जाइए? काशी विश्वनाथ चले जाइए, वहाँ पे देख लीजिए मंदिर कितनी व्यवस्था, देख लीजिए कितना अच्छा मंदिर बनवाया है। वहाँ भगवान से ज्यादा मोदी का ही नाम लिया जा रहा है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग मंदिर से जिएंगे, मस्जिद से जिएंगे, रोजगार कहाँ है, महंगाई बढ़ रही है, इस पे क्या राय है भाई? लोगों का कहना है, क्योंकि भाई इसमें विपक्ष पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, सब तो अच्छा बोल नहीं सकते। तो भाई उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। नहीं, आपको क्या लग रहा है, महंगाई है कि नहीं? रियलिटी में अगर ग्राउंड पे जीरो पे देखा जाए तो महंगाई है भैया? आम जनता है जो 100 रुपए भी नहीं ठीक से कमा सकती, उसके लिए क्या है? आम जनता जो 100 रुपए भी नहीं कमा रही भाई, अब वो तो सबको एक लेवल से देखना होगा ना। ऐसा तो है नहीं, अगर रोजगार भी तो बढ़ रहा है सबको, हर इंसान जो है महंगाई तो बढ़ेगी ही। ऐसा नहीं है कि अखिलेश की सरकार रहेगी तो वो महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, अपने घर से तो देंगे नहीं। तो इंसान अच्छा भी कर रहा है, और उनकी अच्छाई ना देखे आप बुराई देखेंगे तो फिर। लेकिन दावे तो सभी कर रहे हैं, अखिलेश सरकार भी कर रही महंगाई को कम करेंगे, तो आप नहीं देखते करेंगे नहीं, झूठा करेंगे दावा? या अखिलेश सरकार कभी भी राशन 2 रुपए किलो कभी मिला नहीं है। ये लोग जो लोग फ्री में खा रहे पेट के लिए सब कुछ, कपड़े रहे ना रहे लेकिन पेट के लिए ही हो रहा ना। तो अखिलेश सरकार जो है वो राशन कभी भी 2 रुपए किलो नहीं दी है, और फ्री में राशन मतलब पेट भरना जी तो रहा है इंसान। कोविड की टीका जो है विदेशों में पैसे लग रहे हैं, या तो फ्री में लगा हुआ है तो बहुत तो अच्छा भी कर रहा है सरकार। अब सरकार सबके भाई बोलेंगे तो बोलने वाले तो बोल ही सकते हैं। हम ही लोग के लिए कर रहे हैं ना, और किसी के लिए हम ही लोग के लिए कर रहे हैं ना। तो क्या करने आए आप लोग, क्या करने आए हम लोग? यहाँ मुख्यमंत्री बता रहे अनुपयोगी है, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। हम लोग कह रहे थे दो हफ्ते हैशटैग के तहत नहीं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम उठाया है, नकल बंद करवा के वो तो जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो लीक हो रहे हैं तो उसका भी तो समाधान है। क्या समाधान? सरकारों में 10 बार होते, देश की सरकारों में 1 बार हो रहे हैं, और उम्मीद है आगे जाने के बाद 1 बार भी नहीं होंगे। नहीं, अगर कोई पेपर देता हो तो कई बार ऐसा हो चुका है कॉलेज में, तो अच्छा बहुत अगर बच्चे योग्य होंगे तो लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी है ही नहीं, कहीं पे किसी को मिल ही नहीं रहा है। लोगों में तो हम लोग भी आते हैं ना, लोगों में तो हम लोग भी आते हैं ना, तो हमारा मानना ये नहीं है। तो आप में से किसी को नौकरी मिली है? तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं ना, और जरूर मिलेगा। अभी तो 12th अब मैं हम लोग शुरुआती स्तर है, हम लोग का शुरुआती स्तर है। शहर क्षेत्र में इतना विकास हुआ है, रोड पे मछली शहर करके इतनी बेकार थी, आज मछली शहर का कोई भी व्यक्ति मछली शहर में आसानी से पहुंच जा रहा है, किसके कारण? विकास दिख रहा है। कुंभ मेला में जाइए, कुंभ मेला में जाकर वहां विकास देखिए, हर सड़कें मछली शहर की हर सड़कें आपको सुगम दिखाई देंगी। विकास का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, बहुत है उपयोगी मछली शहर के इस प्रांगण में। क्या कारण है अभी तक बीजेपी सीट पर जीत? हम सभी लोगों के मार्गदर्शन, क्योंकि बीजेपी ने शुरू से सच का साथ दिया, उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने वाले, दोगलेबाजी नहीं की बीजेपी ने कभी भी, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले बीजेपी ने कभी भी अयोग्य बच्चों का साथ दिया, बीजेपी ने हमेशा योग्य बच्चों को आगे बढ़ाया है।
इसीलिए योगी सरकार के सब विरोधी है, क्योंकि भारत अपने यूपी में ज्यादातर संख्या केवल नकल के भरोसे है, नकल के भरोसे बैठी हुई है, नकल के भरोसे बैठने के कारण योगी सरकार उसे यूपी सरकार पेपर लीक कर रही है। पेपर इसलिए लीक कर रही है क्योंकि बच्चे अयोग्य है, वो नकल का सहारा है। अगर बच्चे साथ देंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो अपनी सरकार हमेशा आगे बढ़ने देगी। ये बताइए क्या स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती जो बच्चों नकल, बच्चे नकल का सहारा क्यों अयोग्य है? बच्चे बच्चे अयोग्य है इससे पहले की सरकार उनके आदत बना दी है कि उन्हें नकल करना है। आपकी सरकार उन्हें पीछे छोड़ रही है, आपकी सरकार बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, आपकी सरकार उन्हें सिखा रही है कि नकल आपके लिए कुछ नहीं है, नकल का सहारा मत लीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने साथ आगे बढ़िए। जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, बच्चों को सुधारने में समय लगेगा, बच्चों को सुधारने में 5 वर्ष का समय लगा। ये सरकार बहुत से अच्छे अच्छे काम किए जिसकी वजह से टिकी हुई है, और जो विरोधी है वो तो विरोध करेंगे, कोई ना कोई विरोध करना, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए डालने के लिए। और सही बात है, इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिसकी वजह से ये अभी तक टिके हुए और आगे भी ये बने रहेंगे। कुछ मिला है उनको? कुछ भी नहीं मिला, लैट्रिन बाथरूम और का कहिया तो कॉलोनी कुछ भी नहीं है। सरकार बीजेपी चल रही, योगी सरकार चल रही है, आप कह रहे हैं आप आई भी हैं कार्यक्रम में, आप कह रहे हैं आपको योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला, आप कह रहे हैं वोट भी बीजेपी को दे, किस बेस पे आप देंगी वोट? अब क्या करें, देना तो पड़ेगा ही करेगा। ऐसी कोई पार्टी हो जो आपको आपका जो समस्याओं को हल करे आप उसको वोट करेंगी? मोदी योगी के देंगे और क्या देंगी, तो मोदी और योगी को ही। आप बताइए कितनी खुशी है यहाँ पे, क्या होने वाला है आज? बहुत खुशी है, हाँ बहुत खुशी है। क्या होने वाला है आज यहाँ पे? आज उनका भाई है, सब प्रचार कर रखा है, और क्या होने वाले हाँ। प्रचार आज मोदी योगी की ना, हाँ। चीज बढ़े काम आगे बढ़ाएंगे। कुछ हाँ गरीब मनाई है इनसे, कुछ मिला है कि नहीं? अभी राशन मिला था। अच्छा, यही बात राशन मिला था तो कहे थे गैस सिलेंडर वगैरह, गैस सिलेंडर मिला है, घर और लाइटिंग वगैरह ना, ये सब ना रिफल हुआ, भरवाया गया कि नहीं गैस? 3-4 बार भरवा चुके हैं, राशन मिला था ऐसा तो कभी नहीं मिला रहा जितना इनके राज में मिला था। हाँ, हाँ बहुत कुछ मिला। ये इस बात की खुशी है? हाँ खुशी है, जीते हो नहीं जीती है? हाँ नहीं जीती है, करेगी आएंगे तो हाँ। आप बताइए यहाँ पे आई हैं क्या कुछ होने वाला है आज? अरे जो कुछ कर रहे हैं भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग के लिए तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इस बार भी वही जीतेंगे तो हम लोग के लिए बहुत खुशी है। हाँ क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, हम लोग तो खुश हैं। राशन भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं भैया? यही राशन मिला है, बाकी अभी तो कुछ नहीं, गैस नहीं है, गैस हमने अपना प्राइवेट का लिया है। जब महंगाई होगाई है कि नहीं लगता है कि नहीं महंगाई है? तो है भैया, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो महंगाई है। महंगाई का असर पड़ रहा है कि नहीं घर में? बहुत महंगाई का हाँ, और सरकार इसके पहले भी सरकारें थी तो महंगाई का असर दिख रहा था कि ये बढ़िया है, महंगाई बहुत। आप बताइए क्या कुछ सोचती है इस सरकार के बारे में? हाँ भैया सरकार सही चल रही बाटे ना, वो अगले प्रथम चला ले लें, अच्छी बात बाटे है, गैस बाटल मिलत बा, राशन पानी मिलत बाटे है, और का चाहे इतना बहुत। इस बार यहाँ भाजपा जीत जाये? हाँ हाँ हमारे सब की ज्यादा बात जीत जाये। अच्छा हम सब समूह वाले है ना, जीत जाएंगे। अंकल जी क्या माहौल है इस बार? जीतेगा भैया तू? हाँ हाँ, कुछ मिला है कि नहीं सरकारी योजनाओं का? नहीं भैया अबे गल्ला नहीं मिला, नहीं मिलता, नहीं प्रधान नहीं दिलाता, प्रधान ही नहीं देते। हाँ गल्ला। कौन सा गांव है? पहाड़पुर, पहाड़पुर। अच्छा निकावरपुर हम बता था भैया देते नहीं गल्ला। हाँ भाई पैसा ला आई पेंशन भैया न, पेंशन मिला न राशन मिला, फिर भी वो आप कह रहे हो तो मोदी योगी को देंगे किस बेस पे? नहीं 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 भैया नहीं मिलता। नहीं नाम बताइए आप अपना? अवध नारायण। किस गांव में है आपका घर? पहाड़पुर। पहाड़पुर कौन सा ब्लॉक में पड़ता है? मछली शहर में ही? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ लोगों से हम बात।
है।